खेती किसानी से जुड़े कानूनों को लेकर बवाल जारी है और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली में सोमवार यानी 28 सितंबर की सुबह प्रदर्शनकारियों ने राजपथ पर एक ट्रैक्टर को आग लगा दी। इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर लाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जब उसमें आग लगा दी गई तो फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। पुलिस के मुताबिक आगजनी की घटना करने वाले प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि करीब 15 से 20 लोग यहां जमा हुए और ट्रैक्टर को जलाने की कोशिश की। आग को बुझा दिया गया है और ट्रैक्टर को भी हटा दिया गया है। इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। दूसरी ओर कर्नाटक में किसान संगठनों ने आज बंद बुलाया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह नगर में कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। पंजाब में अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर अब भी किसान जमे हुए हैं और उनका प्रदर्शन जारी है। कई किसान संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का प्रयास कर रही है और ताजा विधेयक ने इसके लिए और रास्ता खोल दिया है। मालूम हो कि राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पास होने के बाद से ही पंजाब हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इसी संबंध में 25 सितंबर को कई किसान संगठनों ने भारत बंद का भी आह्वान किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार यानी 27 सितंबर को तीनों विवादित विधेयकों को मंजूरी देकर उन्हें कानून बना दिया। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषक सेवा पर करार विधेयक 2020 पर 24 सितंबर को और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 अब कानून बन गए हैं। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल यानी SAD सहित कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से विलो पर हस्ताक्षर नहीं करने का आग्रह किया था। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार में अकाली दल की एकमात्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में विधेयकों पर मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसी मुद्दे पर उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA भी छोड़ दिया था। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को बार बार आश्वासन दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से किसानों की आशंकाओं को दूर कर चुके हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार बार कहा है कि किसानों से MSP पर फसलों की खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।